अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। अकोला के सरकारी अस्पताल की बत्ती हुई गुल। स्थानीय सर्वोपचार अस्पताल में आज एक अजीब मामला देखने को मिला। अस्पताल की बत्ती सुबह से ही गुल थी, जिसके कारण वहां पहुंचे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, अस्पताल की बिजली चले जाने से इमरजेंसी सेवाओं के साथ अन्य सेवाएं भी बाधित रही। अपंग व्यक्ति जब अपने विकलांग सर्टिफिकेट बनाने सरकारी अस्पताल पहुंचे तो उन्हें लाइट ना होने का कहा गया तथा कल आने का कहा गया, जिसके कारण वह काफी परेशान नजर आए। उसी तरह अस्पताल में बिजली नहीं होने से अपने उपचार के लिए आसपास से पहुंचे लोग भी बिजली आने का इंतजार करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि बिजली ही नहीं तो फिर कैसे वह अपना इलाज करा सकते हैं तथा अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पेशेंट सीरियस आ रहे हैं, यहाँ पे 4 बजे बोलते लाइन आएंगे, काम धंधा छोड़ के हम सुबह से बैठे यहाँ पर, पूरी पब्लिक परेशान है। तो ये ऐसा कैसे यहाँ का सरकारी दवाखाना है ना, कौन सा पेशेंट कब आ जाए, भरोसा है क्या? यहाँ की तो लाइन जाने को नहीं होना, लेकिन कितने परेशानी हो गई हमको सुबह से बैठे ना यहाँ पे। पेशेंट भी सीरियस है हमारे, ऐसा नहीं कि नहीं है करके। जब इस समस्या से वहाँ पर मौजूद डॉक्टर एवं अधिकारियों को अवगत कराया गया तो उन्होंने भी योग्य उत्तर नहीं दिया। अगर इस प्रकार अत्यावश्यक सेवा रहने वाले अस्पतालों की बिजली गुल रही तो आम जनता का क्या होगा, उन्हें तो अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ सकता है। इस समस्या को लेकर स्थानीय नागरिक, जिलाधिकारी तथा संबंधित प्रशासन से मांग कर रहे थे कि ऐसी समस्याओं से सरकारी अस्पताल को मुक्त कराया जाए तथा अस्पताल परिसर में चर्चा कर रहे थे कि अस्पताल जैसी अत्यावश्यक सेवा की भी बिजली कटौती की गई तो किसी की जान जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। हर गांव के पेशेंट है, परेशानी का काम है साहब, इतनी परेशान, इतनी पब्लिक है देखो। और असल में देखा जाए तो ये क्या बोलते हैं कि 4 बजे के बाद ही लाइन आएंगी, 4 बजे का भरोसा नहीं है लाइन का, ऐसा बोलते ये क्या करेंगे। ये बाहर गाँव की पब्लिक है, कितनी परेशान है देख लो। तुम्हारा इतने 8-10 डाला पड़ा है ना? 1 तास डाला मेरा, मेरा तबली घुरा ली मेरा, काय चालू आहे असं भंगोळ कारभार आहे। सरकार दवाखाना आहे म्हणतात, सरकारी काम आहे म्हणतात। यहाँ पे अपंगों के लिए व्हील चेयर भी नहीं है, साधन ये गाड़ी को लेके जाए, बच्चे चेकअप करने लगे, अपंगों का सर्टिफिकेट निकालने को, यहाँ पे व्हील चेयर भी नहीं है इनका। नहीं, आपको बता दें कि अकोला के सर्वोपचार अस्पताल में अकोला जिला समेत बुलढाणा, वाशिम व अन्य जिलों से भी मरीज इलाज लेने आते हैं। अगर वह इतने दूर से आए और उन्हें बिजली जाने का कारण बताया गया तो उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है, जिसके चलते नागरिक सर्वोपचार अस्पताल तथा जिलाधिकारी से इस समस्या को हमेशा के लिए हल करने की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन सईद खान के साथ सैयद जमीर, जेके की खास रिपोर्ट। देखिए, यहाँ पर सुबह से लाइन गई हुई है, यहाँ सरकारी हॉस्पिटल होने के बावजूद यहाँ के जो अपंग लोग हैं बेचारे, मैं एक अपंग को यहाँ लेके आया उसका सर्टिफिकेट बनाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ सुबह से लाइन बने। मैंने सारे अधिकारियों से कांटेक्ट किया, यहाँ का जितने बड़े डॉक्टर हैं वो सारे बड़े डॉक्टर अपने अपनी कैबिन छोड़ के चले गए। और यहाँ एक जनरेटर चालू है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आप जनरेटर की यहाँ शूटिंग लीजिए। यहाँ एक जनरेटर चालू है, वो जनरेटर की लाइन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों के कैबिन के अंदर ही है। कि यहाँ पर आने वाला पेशेंट इंसान नहीं है, सिर्फ डॉक्टर ही इंसान है। मैं यहाँ के पालक मंत्री और यहाँ के जिला अधिकारी साहब से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर आप जो यहाँ पर लाइन बने इसकी जांच करके यहाँ पर दोषियों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और गरीब पेशेंट के साथ न्याय किया जाए। कुछ सुविधा करने को होना, जनरेटर वगैरह अभी बहुत से पेशेंट ऐसे हैं, बहुत से तकलीफ में हैं, इनका नंबर भी लगा नहीं, उनको पहुँची भी नहीं मिली, बाकी के पेशेंट पूरे अंधेरे में बैठे हुए, अंधेरे के कारण कुछ सूचना भी नहीं हमको। लाइन कब से गई हुई है? लाइन सुबह से गई हुई है। सुबह से गई हुई है, हमेशा का प्रॉब्लम आई है, यहाँ पे कोई सुख सुविधा नहीं है। यहाँ पर हमारे भतीजी की स्किन के बताने के लिए बाकी 9 बजे से हम आए हुए हैं, लाइन गई हुई है सुबह से, अभी तक के कोई प्रशासन की तरफ से कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, ना लाइन भी नहीं है ना कुछ ही नहीं है। और यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आए हुए, देहातों से भी लोग आए हुए हैं, हमारे यहाँ से अकोले के जिले, पूरे अकोले जिले के लोग यहाँ पर जमा है, सब परेशान लोग घूम रहे हैं बेचारे इधर।